हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये बना रहा हूँ, आपको ध्यान है मैंने अभी दो चार दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इसमें बताया था कि आल्टो का जो यूएसबी चार्जिंग होल्डर है ना, उसका प्लस जो इसका कर्टन है, ये जो कर्टन मैंने इंस्टॉल करवाया था, इसका मैंने सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाया था। उसमें आपको मैं ये नहीं बता पाया कि इसका आफ्टर यूज़ करने के बाद ये प्रोडक्ट एक्चुअली जेन्युइनली है कैसा, ना मैं आपको प्राइस वगैरह उसमें बता पाया उसके अंदर। क्योंकि देखो, बताना तभी पर सही रहे आपको जब आप प्रोडक्ट को उसको अच्छी तरह यूज़ कर लो। और ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट नहीं है। दो चार दिन मैंने इसको यूज़ किया, ड्राइविंग अपने इसके साथ किया, तो मुझे पता लगे कि क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, राइट। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका चार्जिंग, जो मैंने ये सॉकेट या जो होल्डर है ये लगवाया है। देखो अभी ये देखो, ये तो मैंने मेरे पास मेरा पुराना पड़ा था, ये मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो यहाँ देखो, ये इसका है और ये इसका जो है, ये इसका होल्डर है, मतलब ऊपर से आप इसको ऐसा करके लगा सकते हो, राइट। अभी क्या हुआ, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी ना, लगभग साल होने को आ रहा भाई, उनको इतना बोला कि इसको लगवा दो, करे ऑर्डर पे आएगा, ऑर्डर पे आएगा, ये प्रोडक्ट आता नहीं है। तो बोले अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, करते करते ये साल निकल गया, बट आया नहीं। फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मैंने दूसरे शहर में दूसरे डीलर से मैंने पता किया, एक महीने पहले मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर आते रहते हैं पर ऑर्डर पर आते हैं। मैंने कहा ठीक है। बट एक्चुअली एक दिन हुआ क्या, चार पाँच दिन पहले लकीली ये मैंने एक्चुअली देहरादून से पता किया था, तो मुझे किसी काम से जाना था, मैंने उसको फ़ोन कर लिया कि भाई वो आया क्या, उसने कहा सर आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना काम करते तुरंत वहाँ पहुँचा और मैंने फटाफट इंस्टॉलेशन करवा। ये जो मैंने यूएसबी होल्डर लगवाया था ना, चार्जिंग होल्डर, इसकी कीमत सिर्फ पता कितनी है, 248, मतलब 250 रुपये इसकी कीमत थी। बाहर मार्केट में पता लगाओगे ना, जाओगे जाके तो 250-300 के आसपास ही लगता है, 200-250-300 वेरी करता है, मतलब कौन से शहर में कैसे लगवा रहे हो, बराबर। मेरे को इसकी कर्टेंस की भी ज़रूरत थी, ये जो आल्टो के जो कर्टेंस आते हैं ये, और भाई ये सीरियसली मैं बताऊं आपको, पहले इस ये जो कर्टेंस है इसको मैं इतना सर्च कर रहा था ना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 600-700 रुपये से लेके 2500 तक के कर्टेन आ रहे थे। इससे पहले मेरी पुरानी गाड़ी है, उसका मेरे पीछे जो ये जो विंडो है ना, इस पर लगा रखा था, वो एक्चुअली क्या थे, वो थे आपके मैग्नेट वाले। अब मैग्नेट वाले का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या होता है, उसमें कभी भी आप दरवाज़ा बंद करोगे, खोलोगे, वो कभी कभी नीचे गिर जाता है, गिर जाता है, फिर उसको चिपकाओ भाई, अंधेरे में किसी दिन गिर गए वो पता भी नहीं लगेगा। फिर दूसरा उसका क्या नुकसान है कि जब वो बार बार गिरते हैं ना, तो क्या होता है, उनका अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाता है, और अगर अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया ना, तो उनके यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्पॉट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे, ये क्या होते हैं, ये डिसबैलेंस होते हैं, मतलब अपनी वो शेप में नहीं रहते, राइट। फिर उनको चिपकाना होती है महाभारत, और जब वो उनको चिपका नहीं पाते हो ढंग से, और जब आपकी गाड़ी गड्ढों में निकलती है ना, तो भाई वो धबड़ धबड़ करके वो करते इरीटेट, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने लगवाया है ना, देखो आपको मैं इसकी एक सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ कि क्या है। ये तो है इसका, सबसे पहले चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी जो प्राइस है ना भाई, इतनी अग्रेसिव प्राइस है ना, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ ये जो प्रोडक्ट पड़ा मेरे को, ये पड़ा सिर्फ 999 का। उसके बाद ये डिस्काउंट किया, पता नहीं क्या किया, मेरा जो दोनों का बिल आया ना, वो 1200 समथिंग रुपये आया, मतलब 1300 रुपये में मेरे दोनों काम हो गए। अभी देखो उसमें चारों विंडो पे लगे, 1 2 3 4, राइट। अभी आप एक चीज़ नोट करना, ये देखो ये मेरा ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट में ये बिल्कुल हाफ तक बना हुआ है। अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट से लगवाओगे ना, वो फुल कवर्ड होता है और वो चैन सिस्टम वाला होता है। तो भाई मैं आपको सीरियसली लिटरली बताता हूँ, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है ना उस चीज़ को लेकर, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और रात में तो आपको उतारना पड़ेगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि शीशे आपके जो ये हैं आप देख ही नहीं पाओगे कि बगल में से कौन सी गाड़ी पास ऑन हो रही है, जो भी है, बराबर। तो आप देखो उसका कितना अच्छा इन्होंने ये बना रखा है, हाफ विंडो में आके पूरा किया है, राइट। अब इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, इन्होंने एक साथ में एक होल्डर भी आता है उसमें, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये ना रबड़ है, ये रबड़ है, देखो ये रबड़ निकल के ना, ये मेटल का है, आई डोंट नो एल्यूमिनियम का है, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इसमें फंस जाता है रबड़ में, और ये कर्टेन इसके अंदर लग जाता है, और ये आपका देखो ये यहाँ पे चिपक जाता है इसके ऊपर, तो आपका चारों तरफ से फिक्स हो गया। अब देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा ना, आवाज़ आ रही है इसके अंदर। अगर इनकेस आपको निकालना है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे करो, ऐसे करके लूज़ करो इसको, और अपना कर्टन आप निकाल के रख सकते हो, राइट। प्रॉपर लिखा भी हुआ है, ड्राइवर विंडो पीछे का आपको दिखा देता हूँ, ये देखो रियर राइट विंडो। तो मतलब इसमें कोई चांस नहीं होता कि भाई आप कौन सा गलत लगा रहे हो, क्या कर रहे हो।
और इनका अब आप देखो कितना बढ़िया एक तो ये लुक आ रहा है इसका, ये देखो। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जेड ब्लैक आपको लग रहा है, मतलब आपको ना दिख रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। देखो ये मेन लगवाने का ना मेरा रीज़न क्या था, एक तो भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, आल्टो के जो आपको पता ही शीशे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आजकल जो अल्ट्रा वायलेट जो यूवी कट ग्लास होते हैं वो आते हैं, बट देखो बेस मॉडल है इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसमें जब गर्मी में ना बिल्कुल सूरज की किरणें जब आती थी ना भाई, ऐसा लगता था कि गाड़ी ठंडी नहीं हो पा रही। उससे एक तो आपका कूलिंग है, अब जब आप टेम्परेचर के जो डाउन करोगे तो उससे आपका और ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो वो, दूसरा आपका क्या था कि इसमें ना प्राइवेसी कंसर्न है। मान लो आपको पीछे सीट पे कुछ सामान रख रहे हो, आप कभी बैग्स वगैरह रख रहे हो अपने, या कोई लैपटॉप वगैरह रखना है, तो भाई वो ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता था। और लिटरली कभी किसी की नज़र पड़ जाए ना, तो देखो किसी के मन में पता नहीं होता कब कौन क्या देख ले, राइट। तो एक ये थोड़ा खतरा था। तो जब मैंने इसको सुना, इसको समझा, इसके रेट देखे ना, मतलब 1000 रुपये में लिटरली यार मुझे तो मज़ा आ गया बिल्कुल, राइट। ये देखो एक चीज़ मैंने आपको बता रहा था ना, इसमें जो नोटिस करवाने वाली वो ये था, आप ये देखो ड्राइवर साइड का लेआउट और ये को पैसेंजर इसका, देखो इसमें यहाँ तक लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ ड्राइवर ने चला ना, आपको देखना वहाँ नहीं है, आपको तो सिर्फ जो आपका मिरर है उसमें जो रियर व्यू मिरर है, साइड मिरर है, वहाँ आप देख के चला सकते हो। और ये देखो आपका ये पूरा कटा हुआ है, हाफ विंडो तक ये आ रहा है, तो बहुत कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो और अंदर बैठ के ना गाड़ी के देखो कितना अच्छा, एक बाहर का आप टेम्पो देखो और अंदर का देखो, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब सूदिंग इफेक्ट आ रहा है भाई। आराम से कोई लैपटॉप पे बैठ के काम करना है या कुछ है, धूप डायरेक्ट नहीं आएगी, बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कर्टन का लगाने का। देखो दिल्ली NCR में तो शायद इस पे भी चलान कर देते हैं, सो अगर आपको क्या निकालना है ना, कभी जा रहे हो दिल्ली NCR में, तो इसको निकाल के साइडों के फ्रंट के निकाल के रख दो, बैक के जो हैं आप अपने लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिल्म से तो बढ़िया ये रोड बीच में दे रखिए ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। और आप देखो मैं दरवाजा बंद भी करूँगा ना, देखो तब भी बिल्कुल परफेक्ट फिट एकदम, ये देखो बंद करूँगा बिल्कुल परफेक्ट फिट, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि ये निकल के गिर रहे हैं। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, शायद आपको पता ना लगे कि आपको लगे कि शायद मैं कुछ गलत प्राइस वगैरह बता रहा हूँ, इसका बिल भी मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा, हाँ ये देखो, ये आप देख लो, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें ऊपर, सिगरेट लाइटर आल्टो 248.3 पैसा, और इसका जो कर्टेन है वो 892 रुपये के आसपास। तो टोटल अमाउंट जो मेरा आया था ना 1292 रुपये आया था, सोचो यार 1300 रुपये में मेरा जो है ये दोनों काम हो गए, मेरा कर्टेन भी लग गया और मेरा जो ये होल्डर था, चार्जिंग होल्डर था, ये भी लग गया। सबसे बड़ी टेंशन मेरी दूर हो गई भाई, जो जेन्युइन प्रोडक्ट का मज़ा आता है ना वो जेन्युइन का ही होता है, और मैं तो इतना खुश हूँ भाई, सब्र का फल मीठा, ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे को मिल गया और अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल गया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।